सी व्हाट्सएप गाइज, तो आज मैं आपके लिए कुछ इस तरीके का ट्रिक लेके आया हूँ जिस ट्रिक का यूज करके आप लोग अपने रील्स पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज ला सकते हो और अपने रील्स को वायरल कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम आईडी को ज़्यादातर ग्रो कर सकते हो। वो कैसे करना है, बस एक सिंपल ट्रिक है। अगर आप लोग ये जान जाते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये ट्रिक यूजफुल होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से। आज मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लोग सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक है और इस ट्रिक को कैसे यूज करना है। अगर आप लोग अगर इंस्टा पे रील्स बनाते हो तो आपके लिए वीडियो 101% होने वाला है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रील्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। रील्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग इस पे ज़्यादा लाइक्स है, अगर हम इस पे अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो जो है वायरल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम का जो ट्यूटोरियल है मैं आपको अभी समझाता हूँ किस तरीके से इंस्टाग्राम का ट्यूटोरियल काम करता है। अगर आप लोग देख रहे होंगे कि इस इंस्टाग्राम वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइक्स आए हुए हैं, तो अगर इस पे हम अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो ज़्यादातर वायरल हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे हमको वीडियो वायरल करवाना है और यहाँ से वायरल अपने खुद से करना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे वीडियो के नीचे आपको देखना है कि ये सॉन्ग है, यहाँ पे एरो का टिक है या नहीं। आपको यहाँ पे एरो का टिक नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग दूसरा यहाँ पे रील्स देख लेते हैं। अब आपको नीचे वाला पे भी लाइक तो दिख रहा होगा बट यहाँ पे एरो का, यहाँ पे सॉन्ग के पास एरो का टिक यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग फिर से दूसरा ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, फिर दूसरा ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी आपको एरो नहीं दिख रहा होगा। फिर हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी हमको एरो नहीं दिख रहा है। फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी हमको एरो नहीं दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे खोजना है कि जिस पे एरो दिखेगा उसी को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एरो, यार यहाँ पे हमको एरो दिख चुका है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमको यहाँ पे एरो दिख रहा है। तो हम सिंपल से इस वाले पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको जिस पे एरो दिखता है आप लोग उस सॉन्ग को पहले यहाँ पे टैप करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सॉन्ग है वायरल है या नहीं, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है या नहीं। आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो वीडियो दिख रहा है 5.7 मिलियन इस पे व्यूज गया हुआ है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे 1.1 मिलियन दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3.1 मिलियन आपको इस वीडियो पे व्यूज दिख रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे करके दिखाते हैं, यहाँ पे के से तो कम में कोई है ही नहीं यार, जिसने भी वीडियो बनाया उसका के में जरूर गया ही गया है। और मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ और किसी का यहाँ पे मिलियन में व्यूज़ है या नहीं। तो आपको यहाँ पे भी एक वीडियो दिख जाता है जिसका व्यूज़ यहाँ पे 1 मिलियन में आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ आप लोग थोड़े ध्यान से सुनना, अगर आप लोग इस सॉन्ग पे वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा सकता है। वो कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग इस सॉन्ग पे अगर रील्स बनाते हो तो आपके जो रील्स होंगे उस पे इंस्टाग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन लोगों के पास भेजता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वायरल रील्स है। इंस्टाग्राम की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है कि ये इस पे एरो लगा है, इसका मतलब है कि ये वायरल रील है, ये जो सॉन्ग है वो वायरल हो चुका है। तो इस सॉन्ग पे अगर आप लोग वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो काफ़ी तक आपके वायरल होने का चांस यहाँ पे बना रहता है। सो अगर आप लोग इस पे वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज जाएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और कुछ आपका भी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे ग्रो हो पाएगा। तो ये बस सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया। अब इस पे आपको वीडियो क्रिएट कर लेना है और वीडियो को आपको सिंपल से यहाँ से छोड़ देना है। बस आप लोग इस सॉन्ग पे अगर वीडियो बनाते हो, कुछ इसी तरीके के बहुत सॉन्ग आपको नीचे भी मिल जाएंगे। मैं आपको एक और सॉन्ग यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसपे यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस पे व्यूज़ गया हुआ है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना व्यूज़ गया हुआ है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब पे काफ़ी ज़्यादा हद तक इस पे व्यूज़ गया हुआ है। सब पे आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ गया हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ पे टिक वाला मिलता है आपको वो उसको टारगेट करना है। आपको जो भी यहाँ पे टिक वाला म्यूजिक मिल रहा है आपको उस वीडियो को यहाँ पे टारगेट करना है, उस सॉन्ग को टारगेट करना है और उसी सॉन्ग पे आपको रील्स बनाना है, तभी आपके रील्स जो हैं वो वायरल हो पाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमको एक और वीडियो उस टाइप का मिल चुका है, इसको भी हम लोग ओपन करके देख लेते हैं।
सो जैसे हम लोग इस वीडियो को ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस वीडियो पे 14.8 मिलियन व्यूज गया हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6.1 मिलियन, यहाँ पे आपको दिख जाता है 1.8 मिलियन, यहाँ पे आपको दिख जाता है 4.6 मिलियन और यहाँ पे आपको बहुत सारा नीचे ही वीडियो दिख जाएगा जिसपे मिलियन मिलियन व्यूज गया हुआ है। तो आप लोग ये भी ऐसे ही किए हैं, अगर आप लोग भी ऐसे करते हो, अगर इस सॉन्ग पे अगर रील्स बनाते हो तो आपको जो यहाँ पे व्यूज ज़्यादा आने की चांसेस बने रहते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।